परिंदा बसेरा नहीं करते पर्याय के आसियानों में हमारी बाप दादा के जिंदगी कट गई भाजपा और कांग्रेस की गुलामी में। तो कब ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, मुझे गिला नहीं काफिला कैसे क्यों लूटा, ये तेरी रहबरी का सवाल है। आपको मोदी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद? ये तो भाई जिसकी सत्ता आएगी वो सरकार, वो अपना सरकार तय करेगा। मुझे ना राहुल पसंद है ना मोदी पसंद है, मुझे तो जयराम पसंद है, बना दिया प्रधानमंत्री। मित्रों दोस्तों, आज से नोटबंदी लागू, अचानक घोषणा करेंगे, बोलेंगे नहीं थाली बजाओ, तो बोले थाली बजाओ तो लाइट बंद करो। मैंने अब उनके नीति सिद्धांत को देखते हुए हम लोगों को, जिस तरह मुसलमानों को कांग्रेस ने 70 साल ठगा छला, वही छलने के काम भाजपा भी कर रहा है यहाँ के हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। कभी मंदिर के नाम में, कभी मस्जिद के नाम में, कभी झगड़ा लड़ाने के नाम में, कभी मंदिर का मूर्ति तोड़ने के नाम में, कहीं मस्जिद में सुअर का मिंट फेंकवाने के काम में। छोड़ूंगा कि बहुत बोलता है जोल्हा के, तो जोल्हा के नहीं कोल्हा से जोल्हा आया है, कोल्हा बड़ भाई जोल्हा छोट भाई, दुगो चाय एगो समोसा दुगो मिल के बांट के खाए, ये उसी का। आप हम अभी केतलसुद बाजार में आए हैं और यहाँ पे कुछ दादा लोग यहाँ प्रचार कर रहे थे, तो हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ का माहौल इस प्रकार, इस दरमियान क्या चल रहा है। लोकसभा चुनाव है 25 मई को, तो सबसे पहले दादा जोहार। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपको भी जोहार और तमाम झारखंडी खतियानी भाइयों को जोहार, और रांची लोकसभा के तमाम मतदाताओं के मेरी तरफ से हार्दिक जोहार। दादा एक सवाल है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं जी, तो कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस बीजेपी छोड़कर आप छोटे मोटे पार्टी जेबीकेएसएस में आ रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंडियों को, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बड़ी मछली हैं जो हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। मजबूर होकर क्षेत्रीय दल का गठन होता है, जब यहाँ की जनताओं की मांग पूरी नहीं होती है तब क्षेत्रीय दल का गठन हुआ है। आज जेमएम से लेके आसू से लेके आज अभी नया जो ज्वालामुखी फटा है झारखंड के अंदर में, वो ज्वालामुखी वो इनकलाब आया, जो इनकलाब का देन है दादा जयराम टाइगर महतो। अब उनके नीति सिद्धांत को देखते हुए हम लोगों को, जिस तरह मुसलमानों को कांग्रेस ने 70 साल ठगा छला, वही छलने के काम भाजपा भी कर रहा है यहाँ के हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। कभी मंदिर के नाम में, कभी मस्जिद के नाम में, कभी झगड़ा लड़ाने के नाम में, कभी मंदिर का मूर्ति तोड़ने के नाम में, कहीं मस्जिद में सुअर का मिंट फेंकवाने के काम में, जो हमेशा इस पर जांच नहीं हुआ। कोई पकड़ा जाता है तो उसका जाँच होना चाहिए, किसके कहने पर वो मंदिर का मूर्ति तोड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा मुड़मा में, मुड़मा मेला के एक रात पहले जो मुड़मा में मंदिर में जो घटना घटी, 3 मंदिर में मूर्ति को तोड़ा, विखंडित किया गया, वैसे शख्स का हत्या भी हो गई, लेकिन वो कौन सीने करवाई ये बात नहीं आया। आपको मेडंडा में हुआ, वहाँ भी किसने करवाया उसके साथ में वो कांड, किसी का कहने पे किया है, वो शख्स आना चाहिए। करने वाला तो गरीब मजबूर वाला 10-50-20 रुपया में पीने खाने में कर देता है, लेकिन वो पकड़ाना चाहिए। हम लोग हिंदू मुसलमान लड़ाने के काम ये दोनों पार्टी किया है। मजबूर होके मैंने आज इस क्षेत्रीय दल जो गठन हुआ आज अभी केसेस के माध्यम से, और इनका नीति सिद्धांत खतियान और रोजगार और शिक्षा और महंगाई और उद्योग नीति, कृषि नीति, सभी नीति से प्रभावित होकर इनका साथ में हमने इस उम्र में 59 ईयर्स में हमने एक झारखंड आंदोलनकारी रहा है। भले मेरा आंदोलनकारी नाम में जाए या नहीं जाए, हमेशा हर पुल में लिखते थे 1985 में वी वांट सेपरेट स्टेट झारखंड, और उसका देन है यहाँ के लोग जाता है इस जमीन पर खड़ा है। मैं आप तमाम गेतलसुद वासियों को कहना चाहता हूँ कि मेरा 7-8 पीढ़ी पहले इसी यहाँ के बसिंदा थे, जो आज भी जोल्हा पोखर के नाम से जाना जाता है। कोई अगर 80-90 साल का बूढ़ा होगा, यहाँ पर एक अवस्थित है जोल्हा पोखर, वो कहेगा कि जोल्हा पोखर है। आप पूछ ले क्यों, सुन लीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन हमारा बाप दादा क्यों यहाँ से कन्वर्जन हुआ, आदिवासी से मेरा हुआ, आदिवासी से मुसलमान बड़े, हम कोई झार बिहार आपका अरब से नहीं आए हुए हैं। यहीं पर जोल्हा बगैचा था, डेम में डूब गया, यहीं पर जोल्हीन पतरा था सबैया में, इसके नाम से था, मेरा वही चिलोर बूढ़ा के नाम से था, लेकिन खतियान नहीं है। अब 1932 भागते भागते हम लोग का छुआ मर गया, भगत बोले ना जीप तू बाबू तो यहाँ से चल गया, भागते भागते आज हम लोग चिल्दाग में बस गए। और इनके नीति सिद्धांत को देखते हुए मैं और एक बात कहूँगा कि बहुत बोलता है जोल्हा बाहर के नहीं कोल्हा से जोल्हा आया है, कोल्हा बड़ भाई जोल्हा छोट भाई, दुगो चाय एगो समोसा दुगो मिल के बांट के खाए, ये उसी का हम देन है। और आपको जोहार करते हैं आप तमाम झारखंडियों को, रांची लोकवास यहाँ के मतदाताओं को, कि आपका बेटा को वोट दीजिए, इसी प्रभावित होकर मैं आया हूँ। और ये जयराम मत अपने नेता बनने नहीं आया, राज्य अलग हुआ लेकिन राज्य चलाने के लायक कोई नहीं रहा। आप बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपाई सोरेन तक देख लीजिए, हम लोग को बेचने का काम किया 1932 खतियान के आधार पर,
कोई चीज हम लोग नीति निर्धारण नहीं हुआ, स्थानीय नीति नहीं बना, तो हम कहाँ रह गए? हमारे से देखिए, हम लोग का बच्चा कहाँ पढ़ा? दाहिल भात स्कूल में। उसका बच्चा सीबीएसई बोर्ड पास करता है कहाँ? सरला बिरला से। कैसे टक्कर होगा? हमारे कट ऑफ मार्क्स थोड़ा कम होना चाहिए। आज अगर गेतलसूद या आनगड़ा में एक कॉलेज होता जहाँ पर माँ बहन पढ़ती, हमारे बेटियाँ पढ़ती, वहाँ से स्नातक करती, जितना 10+2 चिल्दाग है इसमें है, सब कर रही है लड़कियाँ, यहाँ से भी लड़के भी कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी रहा है, टॉपर भी रहा है, रांची जिला टॉप 10 में नाम आता है, हमेशा स्टेट टॉपर में नाम आता है। अगर रहता वहाँ पर, अगर इन लोग संजय सेठ आवाज़ उठाता कि नहीं मेरा हर प्रखंड में एक कॉलेज होना चाहिए जहाँ सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को, सभी के लिए को एजुकेशन होता, उसमें यहाँ के लोग स्नातक करते। हम भी गरीब का बच्चा है, 1 रुपया मिलता था, हम बिका बस में 8 टना देते थे और निशान में यार गाली सुनते थे। एक था हम लोग जात का ड्राइवर अथी अहमद, उसे बहुत गाली सुनते थे, मत कुछ घनश्याम का गाली सुनते थे, वो 8 आना भाड़ा दे के आने वाले जाने वाले हैं, मुश्किल से 1 रुपया होता था, भूखे पेटे जाते थे। बहुत हमारे क्लास फ्रेंड है यहाँ पर, सुबह जाते थे, मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, 1985 to 1987 तक में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। आप दूसरा सवाल पूछिए। दादा, क्या मुस्लिम समुदाय JBKCS को वोट देंगे? एकदम देंगे, क्योंकि खतियानी है। इससे मैंने पहले आपको पूर्व कह दिया है कि कोल्हा से जुला हुआ है, और कोल्हा से जुला है, और कोल्हार कुर्मी और कोयरी और सब हम लोग एक हैं, हम लोग कोई बाहर के नहीं है, खतियानदारी है। मेरा देखिए, जिस तरह धार्मिक पुस्तक गीता होता है, रामायण होता है, कुरान होता है, उसी तरह हम झारखंडियों का सबसे बड़ा हथियार खतियान है, तो हम क्यों नहीं देंगे भाई? हम तो खतियान की बात कर रहे हैं, हम खतियान से बाहर नहीं कर रहे। हाल सर्वे खतियान जिस प्रमंडल में जहाँ लागू हुआ है, उसी के आधार पर वहाँ का स्थानीय नीति कायम करो, हमारा तो यही मांग है। क्या मोदी सरकार 10 साल में काम नहीं किया? एकदम नहीं किया, वो अडानी अंबानी के लिए किया है। यहाँ पर बिजली पैदा होता है, बांग्लादेश को बेचता है, यहाँ का रॉ मटेरियल होता है, विदेश जाता है। जर्मनी एक देश है जिसमें एक रूर राज है जो आईएएस के भरा हुआ है, वही मेरा झारखंड है। आज हमारे 40% होते हुए भी हम गरीब हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ नीति ही नहीं सही है, यहाँ का राज चलाने वाला सही नहीं है, यहाँ तो परिवारवाद है, इनके पास परिवारवाद नहीं है। इनके पास आज 8 लोकसभा में दिया क्षेत्र, सभी जाति को दिया है, कोई नहीं कहता है। और रही बात मुस्लिम के, तो भाजपा एक आपको विधानसभा नहीं दे सकता है तो लोकसभा में देगा कहाँ? जिस पर उम्मीद था, हम लोगों ने मांग किया कांग्रेस से कि कम से कम गोड्डा को दीजिए, गोड्डा भी बेच दिए इन लोग, गुलाम अहमद मीर, मैं खुले आम पर कह रहा हूँ, वो भी बेच दिया। तो जहाँ मेरा जाति का एक सीट नहीं मिलेगा, मैं उसके साथ क्यों रहूँगा? मैं इससे बेहतर समझा महतो मुसलमान मुड़ा और जितने महतो में आते हैं, कोयरी महतो, कुम्हार महतो, आपका कुर्मी महतो और अहिर महतो, और एगो हाँ इन लोग 4 महतो के ठीक है, और कुमार महतो है, 4-5 गो महतो, महतो मिल जाइए, मांझी मिल जाइए, मुसलमान मिल जाइए, मुंडा मिल जाइए, आपका ये राज आपका उरा भी है मेरे साथ, आदिवासी उरा भी मेरे साथ है। नहीं भाई, आप तो बोल दिए कि आपका हमें कोल्हा से हम जोल्हा बने हैं, तो आप भी मेरा पूर्वज है, आप भी मेरा पूर्वज के देन है, हम कोई बाहर अरब से नहीं आए हुए, हम तो तमाम खतियानी, आप भी खतियानधारी हैं, हम भी खतियानधारी हैं, तो हम लोग एक होंगे तब हम इससे लड़ पाएंगे बाहरी से, वरना नहीं रह पाएंगे हम। अरे भाई वो तो है, सभी जाति के लोग हैं। मोदी सरकार तो बोल रही है इस बार 400 पार का नारा लगा रही है। अच्छा, आखिर 400 पास क्यों चाहिए भाई? सब पढ़े लिखे जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं जानते हैं कि 272 में सरकार बनती है, इसको 400+ क्यों चाहिए? 400 पार के इसलिए चाहिए, एक मिनट सुनो बाबू, 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको रात को आएंगे जिस तरह मोदी के भाई मित्रों दोस्तों आज से नोटबंदी लागू, अचानक घोषणा करेंगे, बोलेगे नहीं थाली बजाओ, तो बोले थाली बजाओ तो लाइट बंद करो, मैं नहीं बंद करूंगा। अब आ गया, नहीं छोड़ दीजिए, तो आज 400 पार इसलिए कह रहा है कि हम संविधान का जो आरक्षण आदिवासी को दिया गया है, जो दलित को दिया गया है, जो ओबीसी को दिया गया है, इसको समाप्त करना चाह रहा है। कैसे? आज देखिए रेलवे में, सुनिए, रेलवे में हर साल नौकरी होती थी, आज रेलवे कहाँ चला गया? तो सरकारी नौकरी खत्म कर दिया, आरक्षण स्वतः खत्म हो गया, आज जो हम लोग चिल्ला रहे हैं नौकरी आरक्षण दो, आरक्षण समाप्त किया, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया, सेना में बहाली होता था, सेना का बहाली को 4 साल कर दिए, काबीर का क्रांति काबीर बोला अग्निवीर, मुझे अग्निवीर हमारा हर गाँव में होता है, मारा लगता है अग्निवीर हम लोग खुद हैं, वहाँ पर भोक्ता मेरा चलता है अग्निवीर वो है, अग्निवीर ये नहीं है। आप हमको 40 साल का नौकरी दीजिए, पेंशन दीजिए, उन लोग के लिए पेंशन चाहिए, हमारे लिए पेंशन नहीं चाहिए। आज नौकरी कर रहे हैं लेकिन उन लोग को देख लीजिए। आपको मोदी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद? ये तो भाई जिसकी सत्ता आएगी वो सरकार, वो अपना सरकार तय करेगा, मुझे ना राहुल पसंद है ना मोदी पसंद है, मुझे तो जयराम पसंद है, बना दिए प्रधानमंत्री,
जित रामविलास पासवान एक सीट के लिए उलट के पुलट रख दिया था, आज मैं भी कहता हूँ एक सीट के लिए आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, ओनली 24 के लिए बना दिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, आपका नक्शा चेंज कर देंगे हिंदुस्तान का। जयराम महतो को 24 घंटे के लिए बना दीजिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दीजिए, आपका झारखंड सोना का राज्य होगा, स्वर्ण राज्य होगा, बना के दीजिए। हम तो भाई जयराम के लिए लड़ रहे हैं, हम राहुल के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मोदी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ दोनों नेताओं को, लेकिन वो भी देशवासी है, लेकिन मेरा सम्मानित व्यक्ति जयराम महतो है। अगला सवाल क्या करना है आपके चैनल कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल ये है दादा कि मोदी की लहर में आप लोग टिक पाइएगा? मोदी लहर क्या है, ये केवल हवा है और ये बैलून में है, वो टाइफस हो गया, इसीलिए हेमंत बिस्वा आया आसाम से और क्या कह रहा है 400 पार इसलिए दीजिए कि हम वहाँ मंदिर बनाएंगे। अरे भैया पूरा हिंदुस्तान मंदिर है, आप जहाँ पर रुको याद करिए कण कण में राम है, आपको मंदिर के क्या हो सकता है, मंदिर बनाना है, कौन मुसलमान आपको आपत्ति किया? बीजेपी तो मंदिर के नाम पे तो वोट मांग रही है, तो ये आज सनातनियों को सोचना है कि हमको मंदिर के नाम में वोट नहीं देंगे, हम नौकरी के नाम में देंगे, शिक्षा के नाम में देंगे, विकास के नाम में देंगे, महंगाई के नाम में देंगे वोट, ये तो सनातनियों को सोचना है, हमको नहीं सोचना है, हमें तो जहाँ नमाज पढ़ना होगा यहाँ भी पढ़ लेंगे, इनको भी पूजा करना होगा यहाँ कर लेंगे। मोदी तो आप लोग तीन तलाक भी हटा दिए साथ सुनने में। सुनिए, तीन तलाक कभी नहीं हटेगा, ये हम लोग का मैरिज में एग्रीमेंट में होता है, तो उसमें एक खोला होता है, अगर लड़की को हमसे नहीं रहना है तो शहर काजी के पास जाता है कि हमको तलाक दे दीजिए, वो फिर लड़का कहता है नहीं रहेगा, एग्रीमेंट बनता है, खत्म हो गया। आज भी तलाक है, तलाक बीवी को तलाक दिया जाता है, जब मान लीजिए कि आप मेरी भी किसी का बीवी गैर से अगर गलत काम करते रहेगी, कोई मर्दा बर्दाश्त करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा कि दूसरे का हम बिस्तरी करें, दूसरे का सहवा संभोग करें, उसको हम बीवी बना के रखें? नहीं रखेगा कोई, या कोई मर्द को अपना बीवी देखेगा तो उसको पति को भी छोड़ सकता है, ये दोनों का अधिकार दिया गया है। लेकिन और ये सब नहीं जाना चाहिए, काहे कि ये लोक का बात है, कानून की बात है, बहुत लंबी है। सनातनियों के लिए तो आपके हिंदू मजहब के लिए तलाके नहीं है, के सात जन्म के रिश्ता है, लेकिन मोदी ने सात जन्म रिश्ता अपनाया? आप ही समय सवाल पता है, जिसे मिरज किए सात जन्म अपनाया? नहीं अपनाया। जब बीवी को धोखा सकता है तो झारखंड देशवासियों क्यों नहीं धोखा देगा? मैं सम्मान के साथ कहता हूँ, पहले घर में झाको उसके बाद दूसरे की बात करो। दादा आपके भाषण हम सुन रहे थे, आप कुछ शायरी बता रहे थे। हाँ, क्या शायरी? शायरी ये है झारखंडियों के लिए, खतियानधारियों के लिए, एक शायरी है जो चिड़िया का है, जेके चरई हम इन कही ला, तो परिंदा बसेरा नहीं करते पराए के आसियानों में, यानी दूसर कर खोथा में चढ़ दूसर अंडा नहीं देती ला, ये सब जानी ला हम इन देहाती। तो एक चिड़िया जब ये बात है, परिंदा बसेरा नहीं करते पराए के आसियानों में, हमारी बाप दादा के जिंदगी कट गई भाजपा और कांग्रेस की गुलामी में, तो कब तक हम गुलामी में रहेंगे भाई? दूसरी बात, मैंने कहा था मोदी के लिए, ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, मुझे गिला नहीं काफिला कैसे क्यों लूटा, ये तेरी रहबरी का सवाल है, क्यों पूरा देश का प्रधानमंत्री है, मैं सम्मान करते हूँ, एक देश में कैसे ऐसा हो रहा है, ये तो आप पर मैं सवाल करूंगा, क्योंकि मोदी लहर में सब मोदी के नाम में वोट दिया है, संजय सेठ के नाम में नहीं दिया गया। तीसरा, जयराम दादा के लिए कहे थे तनहा चल दिए जानिबे मंजिल के ओर, मंजिल उनका विधानसभा लोकसभा है, ताकि बैग में भर में किसा आवाज उठा सके, गुंगा बहरा नहीं है, तो तनहा चल दिए जानिबे मंजिल की ओर, लोग आते गए कारवां बनती गई। आज चले थे जयराम महतो, उसके बाद आया रिजवान अंसारी, उसके बाद धीरे धीरे आते थे देवेंद्र महतो, जो चोर को चोर कहने की हिम्मत रखा, जिसने सिस्टम चेंज करने की बात कहा, मैं इसीलिए उनके साथ में हूँ। जेपीएससी आप जानते होंगे लोग क्वेश्चन लीक हुआ, अब पहली मर्तबा स्वतंत्र भारत में नीट का भी क्वेश्चन लीक हुआ, किसने करवाया, क्यों जांच नहीं होता है? आज हमारे बच्चा को हम 50,000 रुपया दे के हम नौकरी नहीं ले सकते हैं, तो हम गरीबों का बच्चा को ये नौकरी दिलाएंगे, स्थानीय नीति बनेगी, तो पहला नाम आएगा चाहे जिसका आएगा, 1932 अबू आवास आया ना भाई, अबू आवास में कम से कम 10-20 गो को तो जरूरतमंद को मिला ना, अब मुखिया की गलती है या कैसे किया, विशेष ग्राम सभा में उसका नाम क्यों नहीं दिया, या जिस समय आपके द्वारा आपकी सरकार बसा उस समय अज्ञान होने के कारण फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया। दादा नेक्स्ट सवाल, एक संजय सेठ के लिए शायरी बोल रहा है, संजय सेठ के लिए क्या कहें, उनको सम्मान करते हुए कहेंगे कि हमारे साथ में आ जाए और हमारी साथ दें, आपको 40,000-50,000 पेंशन मिलवे करेगा, आप झारखंडियों के लिए सीट छोड़ दे, शहर से अभी उनको कहना थोड़ा भूल गए इसलिए नहीं कह रहे हैं। मैं सुदेश महतो को भी सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि ऐसे पार्टी को छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपका ही आदमी हूँ और आप भी मेरा आदमी है, आप भी आंदोलन के एक उपज है, आप आसू को जयराम दादा के साथ में आप लोग मिलिए और राज्य को नवनिर्माण के लिए, राज्य की दशा दिशा तय करने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए आगे जाएं, वेलकम है, सादर आमंत्रित है। आपका नाम क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल इमाम अंसारी है, मेरा घर चिल्दाग है, मेरा उम्र 59 साल हो चुका है, मारवाड़ी कॉलेज से मैं स्नातक पहला हूँ,
यानी ग्रेजुएशन किया हूँ अपने गांव मुसलमान में, और यहाँ के लोग बहुत महान साथी हैं, बहुत से दुनिया चले गए, और आज इस उम्र में मैं एक बीमारी से ग्रसित हूँ, लेकिन विश्वास आप नहीं, मैं कैंसर पीड़ित हूँ, कैंसर पीड़ित हूँ, और डंके की चोट पर मैं डॉक्टर को बोला कि मैं ऊपर वाला भगवान से विश्वास है, डॉक्टर पर नहीं, दवा, डॉक्टर और दवा तो एक जरिया है, और आपके सामने आज 4 साल से मैं खड़ा हूँ, कैंसर कैंसर अपने जगह रहे, और मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि जिस दिन ऊपर वाला बुला के मैं चला जाऊंगा, लेकिन यह वतन आपके हवाले, एक बार नारा हो जाए, देवेंद्र महतो जिंदाबाद, रांची लोकसभा का सांसद कैसा हो, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरा हार्दिक जोहार, और आग्रह है कि आप लोग हेलमेट छाप में 24 नंबर में 25 तारीख को जाके वोट दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के तमाम लोगों को, दर्शकों को धन्यवाद। ठीक।